वेलकम बच्चों, आप लोग कबीरदास को जरूर जानते होंगे। इन्हें पहचान दिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब मैं पढ़ा करता था स्कूल में, उस समय कबीरदास की एक कहानी दिया हुआ था, जिसमें बताया गया था कि एक छोटा सा बच्चा किसी तालाब के किनारे पड़ा हुआ था। एक मुस्लिम दंपति जिनका कोई बच्चा नहीं था, उन लोगों ने उन्हें देखा और उन्हें उठाकर अपने घर ले गए और उनका पालन पोषण किए, और फिर जब वो बड़ा हुआ तो कबीरदास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भाई आज हम लोग कबीरदास के बारे में पढ़ाई करेंगे, कबीरदास की वाणी। यह क्लास 5 का हिंदी बुक चैप्टर 1 है, कबीरदास की वाणी। तो आइए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। मैं हूं दुलारचंद दास और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद दुलार में। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें थोड़ा छोटा दिख रहा है इसलिए हम इसको थोड़ा जूम कर दे रहे हैं। जाको राखे साइयां मारी सके ना कोई, बाल ना बांका करी सके जो जगबैरी होए। वैसे इस पुस्तक में पीछे में आप लोगों को इसका मीनिंग दिया हुआ है, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं है। वहाँ पूरी तरह से बच्चों को समझ में आए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसीलिए मैं आप लोगों को इसका मीनिंग बता देता हूँ आम भाषा में, जो आप लोगों को बेहतर समझ में आ जाए। तो यहाँ पर बता रहा है कि जाको राखे साइयां, मतलब जिसको भगवान सुरक्षा करे, जिसकी रक्षा भगवान करे, उसे कोई मार नहीं सकता। चाहे पूरी दुनिया उसका बैरी हो जाए, उसका दुश्मन हो जाए, फिर भी उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, मतलब उसका कोई भी उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। समदृष्टि तब जानिए शीतल समता होए, सब जीवन की आत्मा लखे एक सी सोए। समदृष्टि तब जानिए शीतल समता होए। यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि आपको सभी को एक समान दृष्टि से, एक नज़र से ही देखना है। और ये कैसे पता चलेगा कि आप सभी को एक भावना, एक दृष्टि से देखते हैं? जब आप सभी के प्रति किसी प्रकार के भी भेदभाव आपके अंदर से ना उठने लगे, सभी जब एक जैसा आपको महसूस होने लगे, तब समझिए कि आप सभी को एक दृष्टि से देख रहे हैं। सब जीवन की आत्मा लखे एक सी होए, सब जीवन में एक ही प्रभु का, एक ही परमेश्वर का आत्मा सोया हुआ है, एक ही प्रभु का आत्मा उसके अंदर है। जब ये चीज़ हमें ज्ञान हो जाता है, तब हर व्यक्ति के अंदर हम उसी प्रभु की, उसी परमेश्वर की झलक देखते हैं, उसी आत्मा को देखते हैं, और सबको एक दृष्टि, समान दृष्टि से देखते हैं और सबको एक समझते हैं। किसी के प्रति हमारा कोई भेदभाव नहीं होता है, सब हमारे लिए बराबर होते हैं। हरि से तू जनी हेत कर, कर हरिजन से हेत, माल मुलुक हरि देत हैं, हरिजन हरि ही देत। कबीरदास जी बतला रहे हैं कि परमेश्वर से हम लोग प्रेम करते हैं, परमेश्वर की वंदना करते हैं, उसकी श्रद्धा करते हैं, कर हरिजन से हेत। इसके अलावा हमें हरिजन, प्रभु के बनाए हुए मानव से, उससे भी हमें द्वेष नहीं रखना है, उससे भी हमें प्रेम करना है। माल मुलुक हरि देते हैं, हम मेहनत करते हैं और बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त कर लेते हैं, धन दौलत संपदा ये सारे हमें हरि ही देते हैं। उन सारे चीज़ों से हम उतने ही लगाव रखते हैं, तो फिर हरिजन से द्वेष क्यों? हरिजन मतलब प्रभु के भक्त मनुष्य, मनुष्य से द्वेष क्यों? हरिजन हरि ही देत, उसे भी तो परमेश्वर ने ही बनाया है। तो फिर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं परमेश्वर को पाने के लिए, और उसके बनाए हुए रचना मनुष्य से द्वेष रखते हैं, उससे भेदभाव रखते हैं। तो अगर हमें परमेश्वर को सही मायने में प्राप्त करना हो, तो हमें मानव से भी वही प्रेम करना होगा, तभी हम परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। इसमें साफ साफ कहा गया है कि जब हमें किसी प्रकार की समस्या, किसी प्रकार का दुख आता है, तो हम भगवान को याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी श्रद्धा करते हैं, लेकिन जब तक हमें कोई समस्या नहीं आता है, तब तक हम लोग उनके नाम भी नहीं लेते हैं, उनको याद तक नहीं करते हैं। यदि हमें दुख पड़ने से पहले, किसी प्रकार की समस्या पड़ने से पहले ही हम उनको बीच बीच में याद करते रहते हैं, उनका सुमिरन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो फिर ऐसा होता कि कभी भी हमें दुख नहीं आता। लेकिन ऐसा होता नहीं है, लोगों को जब दुख पड़ता है तभी वे परमेश्वर को याद करते हैं। तो ये यहाँ पे वही बतलाया गया है, कबीरदास जी कह रहे हैं बेहतर हो कि हम लोग जब हमारा स्थिति अच्छा है, उसी समय हम परमेश्वर को याद करें, भगवान को याद करें, और वैसा करने से मुमकिन है कि हमें आने वाला कष्ट परमेश्वर हर लेंगे, उसे दूर कर देंगे। चंदन गया विदेशड़े, सब कोई कहे प्लास, ज्यों ज्यों चूल्हे झोंकिए त्यों त्यों अधिकी बास।
चंदन को अगर हम कहीं भी ले जाते हैं या विदेश ले जाते हैं या कोई ऐसी जगह ले जाते हैं जहां उसको लोग नहीं जानते हैं, उसे पलाश की लकड़ी लोग समझते हैं, ज्यों ज्यों चूल्हे झोंकिए त्यों त्यों अधकी बास, और जैसे उसको हम लोग साधारण लकड़ी की तरह उसे चूल्हे में जलाते हैं तो उससे जो उसमें से जो सुगंध होता है चंदन का वो चारों ओर फैल जाता है और हमें पता चलता है कि यह कोई साधारण लकड़ी नहीं है, यह चंदन की लकड़ी है। उसी प्रकार कबीरदास जी बतला रहे हैं कि किसी विद्वान व्यक्ति को जब हम साधारण व्यक्ति समझते हैं और जब हम उनका काम देखते हैं, उनका व्यवहार देखते हैं, उनका बोलने का चलने का व्यवहार देखते हैं तो उनका गुण हमें पता चलने लगता है। कोई गुणवान व्यक्ति देश के किसी कोने में या विदेश में कहीं भी रहे तो उसका गुण हमें दिखाई पड़ने लगता है, उसका गुण छुपता नहीं है। उसी प्रकार जैसे चंदन की लकड़ी का गुण सभी लकड़ियों के बीच छुप नहीं सकता, उसी तरह एक गुणवान व्यक्ति का गुण चाहे कहीं भी हो, एक गुणवान व्यक्ति का गुण व्यक्तियों की भीड़ से, लोगों की भीड़ से भी उसका गुण, उसका विद्वता झलकने लगता है। बीच कबहू नहीं फल भखें, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। यहाँ बतलाया जा रहा है, कबीरदास जी बतलाते हैं, वृक्ष मतलब पेड़, पेड़ अपना फल कभी नहीं खाता। आप लोग देखते हैं कि पेड़ का फल तो हम लोग खाते हैं, मनुष्य खाते हैं, पक्षी जानवर जो भी है इन लोग खाते हैं, हम लोग खाते हैं, लेकिन पेड़ खुद नहीं खाता। उसी तरह नदी का जल जो होता है, नदी का पानी, वो दूसरों के लिए है, अपने लिए नहीं, नदी उसको बचा कर नहीं रखती है। उसी प्रकार साधु जो मानव का जन्म लिए हैं, जो धरती पर आए हैं, वो अपने सुख के लिए यहाँ नहीं आए कि यहाँ पे हम संसार में आके सांसारिक सुखों का भोग करेंगे, इसके लिए वो जन्म नहीं लिए हैं, वो परोपकार के लिए जन्म लिए हैं, वे दूसरों की भलाई करने के लिए जन्म लिए हैं। जाति ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहने दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि आप यदि किसी साधु से भेंट जाते हैं, मिलते हैं, तो साधु को जाति नहीं पूछना चाहिए कि आप किस जाति के हैं, हमें उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। ठीक उसी तरह से जैसे कि बाज़ार में तलवार का मोल किया जाता है और उसके म्यान का मोल नहीं किया जाता, म्यान तो उसके साथ ही मिलता है, इसीलिए हमें साधु से ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए और हमें उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। दुर्लभ मानुष जन्म है देह न बारम्बार, तरवर त्यों पत्ता झड़े बहुरी न लागे डार। दुर्लभ मानुष कहने का मतलब है, कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का जन्म लेना बहुत ही दुर्लभ है। निश्चित रूप से कुछ हम लोग ऐसा कर्म किए होंगे कि हम लोगों को मनुष्य का जन्म मिला है, यह बार बार मिलने वाला नहीं है। तरवर त्यों से पेड़ का पत्ता एक बार जब सूख के पीला होकर झड़ जाता है तो उसको फिर जहाँ से वो गिरता है फिर उसी डाली पे वो नहीं लग सकता, वो गिरने के बाद फिर वो नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार हमें परमेश्वर ने यह कीमती जीवन दिया है तो इसे हम यूं ही बर्बाद करने के लिए नहीं मिला है, हम कुछ ऐसा काम करें कि हम दुनिया में हमेशा के लिए हमारा नाम अमर हो जाए। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, बिना जीव की श्वास से लोह भस्म हुए जाए। कबीरदास जी बतला रहे हैं जो सबल लोग होते हैं, जो आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं, शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, वे लोग कमज़ोर व्यक्तियों को, दुर्बल व्यक्तियों को सताते हैं, तो उन्हें सताना नहीं चाहिए। यदि हम उन्हें सताते हैं तो उसकी हाय लगती है, हाय उसकी श्राप लगती है। जैसे कि बिना जीव की एक जो लोहार के यहाँ एक भाथी होता है, अब उसमें जो है एक थैले जैसा होता है, उसमें कुछ इस तरह से बनाया जाता है, उसमें से हवा निकलता है, तो वही बतला रहा है कि बिना जीव मतलब वो जिंदा नहीं है, वो जीवित नहीं है, फिर भी उससे जो श्वास जो हवा निकलता है वो हवा आग को तेज करता है और उस तेज आग में लोहा जो उसमें गर्म किया जाता है उस लोहे को गला देता है, भस्म कर देता है। तो उसी तरह से अगर कोई भी सबल व्यक्ति कमज़ोर व्यक्ति को सताता है तो उसका श्राप उसको जरूर लगेगा और एक दिन वह भी विनाश के कगार पर पहुंच जाएगा, उसका भी विनाश निश्चित हो जाएगा। जैसा अंजल खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी सोए। यहाँ पे सीधे शब्दों में कहा गया है और समझ में भी आ रहा है कि हम लोग जिस प्रकार का भोजन करेंगे, जैसा खाना खाएंगे, हमारा शरीर हमारा मन वैसा ही हो जाएगा। जैसा पानी पिएंगे हमारी वाणी भी, हमारी बोली भी वैसे ही हो जाएगी। तो इसका कहने का साफ अर्थ है कि हम लोग सादा भोजन अगर करते हैं, सादा जीवन जीने वाला व्यक्ति भगवान का भक्त होता है। यदि हम संसार के चमक तमक में खो जाएंगे तो जल्द ही हमें पता चलेगा कि कई प्रकार के दुखों ने हमें घेर लिया है। मधुर वचन है औषधि,
कटुक बचन है तीर, श्रवण द्वार हवे संचरे साले सकल शरीर। इसमें कबीरदास जी बतला रहे हैं कि मधुर वचन, मीठी वाणी अगर किसी को प्रिय वाणी बोली जाए तो वह औषधि की तरह काम करता है, और अगर कटुक वचन, कड़वे शब्द बोले जाए तो एक तीर की तरह शरीर में चुभती है। जो वचन हम बोलते हैं वह कानों के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है और हमारे शरीर को सुख प्रदान करता है, यह एक औषधि की तरह होती है। वैसे भी बतलाया जाता है कि खुश होना, अगर हम ज़्यादातर खुश रहते हैं तो हम बीमारियों से दूर रहते हैं। उसी प्रकार कबीरदास जी बिल्कुल वही चीज़ कह रहे हैं कि मधुर वचन हमारे लिए औषधि का काम करता है, हमारे लिए दवा का काम करता है। यहाँ पे चैप्टर 1 समाप्त हो जाती है, और आइए देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है। यह इस चैप्टर का शब्दार्थ दिया हुआ है, आप लोग इसे पढ़कर याद कर लेंगे। और यहाँ पे इस चैप्टर का पूरा भावार्थ दिया हुआ है, लेकिन यह हिंदी में लिखने के बावजूद भी बच्चों को ठीक से समझ में नहीं आता है, इसीलिए मैंने आम भाषा में उसको एक एक करके समझा दिया है। और इसमें आगे यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न दोहे का अर्थ लिखें। यहाँ पे इसको मैंने बतलाया है, इसको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 3 में इन शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखें, तो इसका मीनिंग लिखना है। और 4 में सोचें और बतलाएं यह क्वेश्चन आंसर, इसको आंसर करना है। तो आइए मैं आप लोगों को इसका आंसर बना के दिखाता हूँ। यह चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर, निम्न दोहे का अर्थ लिखें। वृक्ष कभू नहीं फल भखे, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार पेड़ कभी अपना फल नहीं खाता है और नदी अपना जल बचाकर नहीं रखती, ठीक उसी प्रकार साधु अपने लिए जन्म नहीं लेता बल्कि वह दूसरों की भलाई के लिए जन्म लेता है। क्वेश्चन नंबर 3 में इन शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखें। वृक्ष, पेड़, साथ, संग, नीर, जल, जग, संसार, वास, रहना। सोचें और बताएं, हरि के बदले हरिजन से प्यार करने से क्या होगा? हरि के बदले हरिजन से प्यार करने से ईश्वर मिलेंगे। साधु किसके लिए जन्म लेते हैं? साधु परोपकार के लिए जन्म लेते हैं। क्या साधु से जाति पूछना उचित है? नहीं, साधु से ज्ञान पूछना चाहिए। दुर्बल को सताने से क्या होगा? दुर्बल को सताने से हाई लगती है, यह विनाश का कारण बनता है। मधुर वचन औषधि कैसे है? मधुर वचन औषधि के समान है, यह शरीर के भीतर प्रवेश कर हमें सुख देता है। कबीरदास कैसे कवि थे? कबीरदास निर्गुण भक्ति के कवि थे। कबीरदास किनके शिष्य थे? कबीरदास आचार्य रामानंद के शिष्य थे। यहाँ पे चैप्टर 1 पूरी तरह समाप्त हो जाती है, और आप लोगों को हमारी इस वीडियो से जरा भी मदद मिलता है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके आगे का चैप्टर पढ़ने के लिए हम लोग अगले वीडियो में चलेंगे। तो आइए हम लोग अगले वीडियो में चलते हैं।